हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टर विष्णुजी ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लुक बताना चाहता हूँ जो हमने ड्राई लीफ यानी सूखी पत्तियों की जो खाद बनाने का प्रोसेस शुरू किया था। तो मैं आपको उसका एक लुक बताना चाहता हूँ कि अभी वो प्रोग्रेस कहाँ तक चली है, कहाँ तक पहुँच चुकी है, और इसके मैं आपको पूरी प्रोसेस भी बताऊँगा। जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक मैं आपको इसकी प्रोसेस बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको भी एक सैंपल जो हमने रेडी किया है, लगभग रेडी हो चुका है, और थोड़ा बहुत बाकी मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और समझ में आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखिएगा। अरे दोस्तों, ये आपको पता है, ये तो हमारा छोटा सा हमने गार्डन जो आपने देखा हुआ है, ये ऊपर अनार, ये ऊपर अनार लग रहे हैं, और ये हमारा छोटा सा गार्डन जिसमें हमने कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें जो हमने कर रखी है हमारे गार्डन में, ये आप अनार देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ सबसे पहले जो हमारे खाद का प्रोसेस बहुत कहाँ तक हुआ। दोस्तों, ये हमने बनाई है सूखी पत्तों की खाद। तो दोस्तों, ये हमारे सूखे पत्तों की हमने खाद बनाई थी। ये प्रोसेस पूरा हुआ नहीं लेकिन चल रहा है, तो कुछ टाइम के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगी। पर लगभग ये अभी एक तरह से सही है, प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या होगा कि आपको खाली बोरे टाइप का कुछ लेना होगा, या तो खाली बोरा ले सकते हैं या कोई काली कलर की जो पॉलीथीन आती है उसको आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आप जितने भी सूखे पत्ते होते हैं, जैसे आपके आस पड़ोस में कोई पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते झड़ रहे हैं, तो उससे आप इकट्ठा करके एक बोरे के अंदर स्टोर कर लीजिए। पूरा बोरा भर सकते हैं आप इसे, और पूरा बोरा भरने के बाद किसी भी तरह की पत्ती हो, सूखी पत्ती हो, जैसे कि आप मान लीजिए नीम के पत्ते हो या फिर पीपल के पत्ते, जितने भी आप आसपास पत्ते हो उन्हें आप इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद उन्हें बोरी में भरना है, अच्छे साफ करके, यानी कंकड़ पत्थर हो जो भी निकाल लें, बाकी छोटी मोटी लकड़ियाँ हो वो भी चल जाएगी, लेकिन उन्हें आपको बिल्कुल बारीक करना है। बारीक करने के बाद आपको इस तरह का एक कट्टा लेना है, और इस कट्टे के अंदर इन सबको ऐसे भर देना है, अच्छे से मिक्स करके इनको डाल देना है। और इनको डालने के बाद आपको क्या करना है, हल्का हल्का इसके ऊपर पानी छिड़कना है, और पानी छिड़कने के बाद जो कट्टे की जो बाहर की जो ऐसी लेयर होती है, इनमें इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पे होल करने हैं, अंदर आप होल कर दीजिए उनके अंदर, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वहाँ निकल जाएगी, और इसे हल्की हल्की एयर भी मिलती रहेगी। थोड़ा शोर ज़्यादा है, पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा शोर ज़्यादा है, उसे इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों, इसे आप कट्टे में से भरने के बाद उसे अच्छे से एयर टाइट कर दीजिए, यानी ऊपर से उसका मुंह बिल्कुल सील कर दीजिए, ताकि उसे हमें बार बार खोलने की जरूरत ना पड़े। एक बार पैक होने के बाद ज़्यादा खोलेगा नहीं, और हर 6-7 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आप उसे हिलाते रहिएगा। हिलाने से क्या होगा कि जो नीचे सूखी पत्तियाँ दबी होगी, जो गलने की प्रोसेस में होगी, वो ऊपर आ जाएगी और नीचे की नीचे चली जाएगी, तो उसी का वो मिक्सचर बनता रहेगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कुछ 2-3 महीने तक इसका लुक ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ये काले टाइप में बढ़ जाएंगे, और मतलब गलने की प्रोसेस इसमें शुरू हो गई होगी। तो दोस्तों, फिर लगभग इसे टाइम लगता है, लगभग आप मान लीजिए 6 महीने का टाइम लगता है पूरी खाद बनने में। दोस्तों, ये खाद बनने में 6 महीने का टाइम लगेगा, हो सके साल भी, लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप यूरिया भी मिला सकते हैं, और ये खाद पेड़ पौधों आपकी सब्जियों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, बहुत लाभदायक है, और अभी इसकी मार्केट में बहुत रेट चल रही है। बेचते तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे सेल करते हैं घर पर बना के, तो आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप भी इसे अपने घर पर बना सकते हैं, और अपनी जो भी गार्डन हो उसके अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने गार्डन सोइल के साथ, और नॉर्मल जो सेंड होती है उसके साथ इसे आप मिलाएंगे, तो आपका जो पौधा जो मरने की कगार पर होगा, यानी सूखने की कगार पर होगा, वो भी चलेगा, और इसे आप हर पौधे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, तो आपको इस सबकी जो भी फ्रूट्स है, सब्जियाँ हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रोसेस या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, छोटा सा व्लॉग है जो अपने घर का ही व्लॉग है, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पसंद करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।